हाँ भाई, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी कुछ समस्याओं के ऊपर होने वाला है। मतलब समस्या मतलब कुछ क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के कि भैया अब हमारी जो PET की है वो एग्ज़ाम तो हो चुकी है, अब हमें क्या तैयारी रखनी है। कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है फ्री सीट क्या है, पेमेंट सीट क्या है। तो यही कुछ जनरल से क्वेश्चन, जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन कौन से है, कौन से कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, टोटल सीट कितनी है, पेमेंट सीट क्या होती है, कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी, आगे की प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे, ये जनरल क्वेश्चन है, इनकी हम बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपके काम की सारी जानकारी मैं एक ही वीडियो में दे दूंगा, ठीक है? जो आपको अभी से लेकर एडमिशन के बाद तक पूरा काम में आने वाली है, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी से। देखो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं, है ना? तो सबसे पहले तो अंतर पता होना चाहिए सर, कॉलेज क्या होती है, यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो देखो, आपने एक तो पढ़ा होगा बेटा विद्यालय, विद्यालय सुना है, विद्यालय है ना? एक होता है महाविद्यालय और एक होता है बेटा विश्वविद्यालय, विश्व विद्यालय, दोनों साथ में आएगा, है ना? विद्यालय मतलब स्कूल की बात चल रही है जहां से आप पढ़ के आए, स्कूल को हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। महाविद्यालय मतलब कॉलेज को कहते हैं जहां आप जाने वाले हैं, और विश्वविद्यालय कहते हैं यूनिवर्सिटीज को। क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक बड़ी बॉडी, बड़ी बॉडी मतलब बड़ा समूह आप मान लीजिए, उसके अंदर कई सारे कॉलेजेस आते हैं। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर दो यूनिवर्सिटीज है। कितनी यूनिवर्सिटीज है बेटा? दो यूनिवर्सिटी। ये दोनों की दोनों है क्या पहले तो ये बता दो, यूनिवर्सिटी है ना? ये दोनों क्या है? यूनिवर्सिटी। शॉर्ट फॉर्म इनको कहते हैं JNKVV और RVSKVV। क्या फुल फॉर्म होता है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? जबलपुर में है। और एक विश्वविद्यालय है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर? ग्वालियर में, ठीक है? तो दो यूनिवर्सिटीज़ है, कहाँ पर? MP में। और इन दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई सारे कॉलेजेस आते हैं। इसमें कुछ कॉलेज जो होते हैं, कुछ क्या, मैक्सिमम जो कॉलेज है वो कौन से? एग्रीकल्चर वाले हैं, और जो कुछ कॉलेज है वो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, और एक कॉलेज ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले। हम उन सभी की बात करते हैं। देखो, JNKVV के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो JNKVV के अंदर कुछ कॉलेज है, जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर? जबलपुर। जहाँ पर यूनिवर्सिटी एक कॉलेज तो वहीं होगा ही होगा, है ना? तो एक तो जबलपुर हो गया, दूसरा आपका रीवा में है, एक टीकमगढ़ में है, एक गंज बासोदा में है, एक वारासिवनी में है, एक पवारखेड़ा में है, एक खुरई में है, और एक पन्ना में है। अब देखो, यहाँ पर आके थोड़ा अपने को रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है? इसके नीचे के जो दो कॉलेज दिख रहे हैं 9 और 10 नंबर का, आप अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर लिखा है ना? ये सारे सारे क्या बेटा? एग्रीकल्चर है। ये दोनों कॉलेज कौन से? हॉर्टिकल्चर। उसके नीचे अगर आप देखेंगे जो 11वें नंबर का कॉलेज है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का है, कृषि अभियांत्रिकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, है ना? तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? देखो, आपको अगर प्रायोरिटी देनी है अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो प्रायोरिटीज देते हैं वो हमें एग्रीकल्चर को ही देना है। कारण ये है कि ये जो एग्रीकल्चर जो ब्रांच होती है BSc की, ये मैक्सिमम जो वैकेंसीज आती है उसमें सब में एलिजिबल रहती है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें हॉर्टिकल्चर वाले को ऐसा बोल दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है, कुछ स्पेशल हॉर्टिकल्चर के लिए भी हो सकती है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? हमें देनी है एग्रीकल्चर कॉलेज को, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी हम क्या डालेंगे, जो चॉइस फिलिंग करेंगे, तो उस समय हमें कॉलेजेस का वरीयता क्रम डालना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो उस समय हमें इन कॉलेजेस को देना है, एक मतलब इनका मतलब कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देना है ना। उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं RVSKVV, जो कि ग्वालियर की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत कम कितने, केवल 5 कॉलेज आते हैं, और इस 5 में 4 कॉलेज एग्रीकल्चर के हैं, एक कॉलेज जो है वो हॉर्टिकल्चर का। गलती से यहाँ एग्रीकल्चर लिख दिया गया है, लेकिन ये एग्रीकल्चर नहीं, ये हॉर्टिकल्चर है ना? तो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि कहाँ है? मंदसौर में है ना?
तो कौन कौन सा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एक तो खुद ग्वालियर में है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी एक तो वहीं होगा ही होगा, एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि कहाँ पर है बेटा, इंदौर में है, एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि कहाँ है, खंडवा में, जहाँ से मैंने खुद ने BSc करी है, ठीक है, एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो कि कहाँ पर है, सीहोर में है। तो ग्वालियर, इंदौर, खंडवा और सीहोर, ये जो चार एग्रीकल्चर कॉलेज है वो आते हैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका नाम है RVSKVV। एक मंदसौर जो कॉलेज है जो कि हॉर्टिकल्चर का होने वाला है, ये क्या है, ग्वालियर के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद में इधर की जो लिस्ट है वो JNKVV की है। बोले कि सर अंतर क्या है दोनों में, बेटा अंतर कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि जब आप BSc AG करके निकलते हो तो आपको जो डिग्री प्राप्त होती है ना, तो डिग्री के ऊपर विश्वविद्यालय का नाम ही अंकित होता है, मतलब लिखा हुआ होता है। आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो वहाँ पर नहीं लिखा होता डिग्री के ऊपर, है ना। आपको जब भी कोई बाहर जाओगे तो आप बोलोगे कि आप कहाँ से पढ़े हो, तो आपको नाम लेना पड़ेगा या तो JNKVV का या RVSKVV का, अगर MP से बाहर जाते हो। कॉलेजेस को कोई नहीं जानता, है ना, JNKVV जबलपुर, RVSKVV ग्वालियर, क्योंकि हम इन्हीं के द्वारा जाने जाएंगे। इनके क्या है, कॉलेजेस होते बहुत सारे, उनमें जो है पढ़ाई होती है। क्या अपने को छोटी सी बात समझ में आई, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। दोनों जो यूनिवर्सिटी से, उनके कुछ अपने फायदे नुकसान तो कुछ है नहीं, मतलब अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी को JNKVV जाना पसंद है, किसी को RVSKVV जाना पसंद है। RVSKVV में बात करें तो लोगों को इंदौर जो जगह है बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो कि RVSKVV के अंदर ही आती है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो दो कॉलेजेस को कट ऑफ जो है वो सबसे हाई रहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, एक तो जबलपुर कॉलेज है ना, और दूसरी हमारी इंदौर कॉलेज। इन दोनों को जो ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं, इन दोनों कॉलेजेस को ही वरीयता देते हैं, मतलब प्राथमिकता देते हैं। समझ में आया। आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने एक स्वयं का, मतलब अपने हिसाब से एक वरीयता क्रम, वरीयता का मतलब भाई कि पहले कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि किसी की मान्यता कम है किसी की ज़्यादा है। आप डिग्री खुरई से करो कि आप टीकमगढ़ से करो, डिग्री की वैल्यू उतनी ही होती है। हाँ, पढ़ाई में अंतर हो सकता है कि हो सकता है खुरई में आपको थोड़ी कम पढ़ाई देखने को मिले, हो सकता है जबलपुर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिले, है ना। डिग्री की वैल्यू उतनी रहेगी, ये जो माथे में नॉलेज है ये, इसका अंतर हो सकता है ना। तो देखो बढ़ते हैं आगे। देखो तो एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट एक्चुअल में क्या है, ये मैंने सीट्स बताई है कि नंबर ऑफ सीट कितनी है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, और इसको मैंने यूनिवर्सिटी के हिसाब से न जमाते हुए अपने हिसाब से जमाया है। आप भी ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो इस क्रम को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको अपने हिसाब से जो भी डालना है डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सभी की वैल्यू सेम रहने वाली है। हाँ देखो, एक तो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, जबलपुर में कितनी सीट है बेटा, 70। कितनी सीट है, 70 सीट है, मतलब कि वहाँ पर 70 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और ये कौन सी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ बेटा मैं फ्री सीट, है ना। अब ये फ्री सीट और पेमेंट सीट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर की बात भी मैं थोड़ी देर में करूँगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए जो इधर लिख रखा है, ये सारी की सारी फ्री सीट होने वाली है ना। तो जबलपुर कॉलेज में 70 सीट है, इंदौर की बात करें तो इंदौर में 60 सीट होने होती है, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर 60 है, खंडवा की बात करें तो 40 है, सीहोर की बात करें तो 60 है, रीवा की बात करें तो 70 है, टीकमगढ़ में भी 70 है, गंज वासुदा जो विदिशा में है उसमें 40 सीट है, पवार केड़ा में कितनी है, 40 है, वारासी में कितनी है, 40 है, खुरई में कितनी है, 60 है, पन्ना में कितनी है, 60 सीट होती है। ये नंबरों से टोटल को अगर हम काउंट करेंगे तो 670 है ना। टोटल 12 कॉलेज ऐसे हैं दोनों यूनिवर्सिटी को मिला के भैया, इसमें ना RVSKVV की कॉलेजेस भी आ गई है और JNKVV की कॉलेजेस भी आ गई है। अगर हम प्योर एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलेज होते हैं 12, और इन 12 में जो फ्री सीट होती है वो होती है 670, मतलब कि ST SC OBC और जनरल इन सभी को मिलाकर 670 सीटों पर प्रवेश होगा फ्री सीट के लिए, मतलब जिसमें आपको पढ़ाई के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप तक बात समझ में आई, कानों तक बात पहुंची, कितनी सीट है बच्चों, 670 है ना। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं, आरक्षण की बात करूं, है ना, तो आरक्षण भाई देखो, SC
ST, OBC और EWS और एक PH, फिजिकल हैंडीकैप, है ना। इनको अपने अपने जो कास्ट है उसके हिसाब से आरक्षण भी दिया गया है। इधर 15% है, इधर 21% है, OBC को यहाँ पर 27% है, EWS को 10% है और PH को 5%, है ना। मतलब फिजिकल हैंडीकैप, मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी आरक्षण है ना। तो इन सभी पे इस प्रकार से सीटों का क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने अलग अलग यहाँ पर नहीं बताई, मैंने टोटल सीट बताई है, आरक्षण कितना ये भी बता दिया है, ठीक है। तो टोटल एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, ठीक है। अब कौन सा कॉलेज हमें, देखो अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है, बोले सर हमारे यहाँ से पन्ना पास पड़ता है, क्या मैं पन्ना कॉलेज पहले डाल दूँ, डाल दे भाई, मेरे कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा, मेरा निजी ये मानना है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप कोशिश करें कि ऊपर के इन 7-8 कॉलेजों में जाने की कोशिश करें, है ना। 7 से 8 ऊपर के जो कॉलेज मैंने आपको दिखे, इनको आप अपने सुविधा के हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऊपर के जो कॉलेजेस है इनमें जाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ये पुराने कॉलेजेस हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये नहीं कि बिल्डिंगें नहीं मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं हैं। ये जो नए कॉलेजेस हैं जैसे पन्ना हो गया, खुरई हो गई, इनमें कुछ सुविधाएं अभी नहीं है। कहीं पर हॉस्टल की समस्या है, कहीं पर कुछ समस्या है, कहीं पर, देखो भैया ये सब क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जस्ट अभी अभी अपना MSc का कार्यक्रम मेरा भी खत्म हुआ है, तो अपने कुछ क्या है कि जानकारी इसकी है, ठीक है। तो अपने स्तर से फैसला ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, खंडवा हो गया, इंदौर हो गया, सीहोर, रीवा, टीकमगढ़ जैसे कॉलेजों में अध्ययन करने की कोशिश करें, है ना। यूनिवर्सिटी का प्राथमिकता अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको एग्रीकल्चर लाइन में ही जाना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आप JNKVV को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि RVS की खराब है, खराब कोई सी कॉलेज नहीं है भैया, हर कॉलेज की अपनी विशेषताएं होती है। तो आपको जो कॉलेज में जाना है आप उस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं, अपनी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। चलो, क्या अपने को ये बात समझ में आई, 670 सीट का मामला, और ये सभी की सभी सीटें बेटा एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की, है ना। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, है ना। तो जैसे लिखा है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सॉरी स्पेलिंग IOT आगे पीछे हो गया, संभाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है भैया, ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है ना। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि कहाँ है, मंदसौर में, और इसके पास सीट कितनी है, 40 है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि कहाँ है, रेहली में है, इसके पास कितनी सीट है, 60 है। और एक छिंदवाड़ा में अभी अभी खुला है, उसके पास कितनी है, 60 है ना। तो टोटल अगर हम बात करें, 6 और 6 12 और 4 16, टोटल जो सीट हो जाती है यहाँ पर हो जाती है 160। तो हॉर्टिकल्चर की सीट्स कितनी है, ये भी भैया फ्री सीट है ना। ये सीट भी कौन सी हो है, फ्री सीट। अगर कोई स्पेशल व्यक्ति हो, नहीं, मैंने तो मैथ से एग्जाम दी थी, मेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, भले एग्रीकल्चर का बन जाऊं, तो भैया उसके लिए बड़ी बेहतरीन सुविधा दी गई है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। कहाँ पर है बच्चों, जबलपुर में। कितनी सीट है, 70 सीट है। अब देखो, जब चॉइस फिलिंग आएगी तो वहां पर एक बात को बहुत ध्यान में रखना है। वो बात क्या है, उधर इधर देखो, क्या ध्यान में रखना है कि जब वो आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कहेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, पहले पर जबलपुर डाल दो। किसको बोलेंगे आप, MP ऑनलाइन वालों को, बोलेंगे जबलपुर पहले पे होना चाहिए। अब उसको तो मालूम नहीं जबलपुर में क्या क्या है, जबलपुर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है और जबलपुर में एग्रीकल्चर भी है। ये रहे देखो एग्रीकल्चर, और इधर जाएंगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आपने उसको बोला जबलपुर पहले डाल दो, वो उठा के पटक देगा इसको पहले पे, और आपको पहले पे ही गारंटी, आपके नंबर कितने भी कम हो पहले ही बार में मिल जाएगा क्या, इंजीनियरिंग, और आपका काम वहीं पर तमाम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें, कॉलेज का क्रम डालें कि पहले ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये चाहिए, चौथे पे ये चाहिए, तो उस वक्त हमें जबलपुर को डालते वक्त बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता क्या है बेटा, कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। चलो, फॉरेस्ट्री की भी होती है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पर नहीं, फॉरेस्ट्री अपने को नहीं लेना है, ठीक है।
पेमेंट सीट की बात करते हैं। बेटा समझ में आ गया अपने को? एग्रीकल्चर, सबसे पहले एग्रीकल्चर के कॉलेज डालना है, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर का डालना है। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले हम डालेंगे मंदसौर को, प्राथमिकता किसको देंगे? मंदसौर को, फिर रेहली, फिर छिंदवाड़ा। इन दोनों का आगे पीछे अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन सबसे पहले रखना है मंदसौर को, हॉर्टिकल्चर का जब क्रम डालो, है ना। हालांकि जब चॉइस फिलिंग की बारी आएगी तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपको पहले डालना चाहिए, ठीक है? समझ में आ बच्चों? और इस पे कुछ समस्या हो या प्रॉब्लम हो या अपने को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा, ठीक है? चलो अब चलते। बोले कि सर पेमेंट सीट क्या होती है ना, पेमेंट सीट क्या हम पैसे दे के पढ़ सकते हैं? हमारे पिताजी के पास अंधा पैसा है, तो क्या हम उस अंधे पैसे का यूज करके हम वो सीट ले सकते? नहीं बेटा, पेमेंट सीट का मतलब ये होता है, पढ़ते हैं प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 20% सीटों पर पेमेंट सीटों के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है अतिरिक्त। जैसे कि अगर फ्री की 100 सीट है, फ्री की कितनी सीट है? 100। हालांकि है कितनी? 670 है। तो 100 सीट है, तो 100 का 20% मतलब 20 सीट, तो टोटल हो जाती है 120। मतलब कि उस जगह पर जो एडमिशन, टोटल एडमिशन होंगे वो 120 एडमिशन होंगे, जिसमें से 100 तो फ्री लोगों को, फ्री मतलब कि आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर किसी प्रकार के कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ये 20% जो लोग हैं या जो 20 सीटों पर प्रवेश लेंगे, इन्हें PAT में नंबर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इन्हें पढ़ने के लिए वहाँ पर शुल्क भी देना होगा। तो बोले सर दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति पैसे दे के पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति फ्री में पढ़ रहा है, ऐसा क्यों? यहां पर आता है नंबरों का अंतर। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें कि भैया हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर की, है ना। है ना, इंदौर की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इंदौर कॉलेज का जो कट ऑफ है वो गया है 120 नंबर। कितने नंबर पर गया है? 120 नंबर है। किसके लिए? ये है फ्री सीट वाले के लिए कि भैया 120 नंबर से जिसके जिसके ऊपर है उनको इंदौर में फ्री सीट मिल जाएगी। तो बोले कि सर यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके नंबर 115 है, 118 है, 119 है, मतलब कुल मिला के 115 से लेकर या 110 से लेकर 120 के बीच में है। तो इस व्यक्ति को अगर इंदौर में प्रवेश चाहिए तो वो क्या ले पाएगा? नहीं, फ्री सीट पे तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में अगर ये व्यक्ति एडमिशन लेना चाहता है तो एक अलग से उस 20% सीटों के लिए एक अलग कट ऑफ निकलता है। तो वो क्या होगा कि इस 15 वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसको यहाँ पर देना पड़ेगा पेमेंट। और ये पेमेंट भी निर्धारित होता है, ऐसा नहीं कि भाई जो ज़्यादा पेमेंट देगा भले नंबर कम, ऐसा नहीं। पेमेंट भी फिक्स है, मतलब कि फ्री सीट का कट ऑफ अलग निकलता है, पेमेंट सीट का कट ऑफ अलग निकलता है। समझ में आ रहा है? तो अब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही काम करेंगे। आप बोले सर पैसे कितने लगेंगे पहले ये बता दो, वो भी मैं बताऊंगा। तो क्या आपको फ्री और पेमेंट का लफड़ा समझ में आया? भैया बोले सर पेमेंट एक काम करते, अगर 50,000 पेमेंट डिसाइड किया है तो एक काम करता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए 1.5 लाख रुपये दे दूँ, और मेरे 100 नंबर है और मैं 1.5 लाख रुपए दे दूंगा तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि पेमेंट भी फिक्स है, इतना ही लगेगा, और उसके लिए अलग कट ऑफ, मतलब कि PAT में अंक होना कंपलसरी, बस इतना है कि जिस कॉलेज में एक फ्री सीट वाला व्यक्ति 120 नंबर लेके जा रहा है उसी में कम नंबर वाला व्यक्ति भी जा सकता है, बस फर्क इतना है उसको वहां पर पेमेंट देना पड़ेगा। तो फ्री और पेमेंट सीट का लफड़ा क्या है, क्या अपने को समझ में आ गई बात? ठीक है चलो, तो ये एक फॉर एग्जाम्पल था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये पेमेंट सीटों का वर्गीकरण है, ने पहले पढ़ते हैं, है ना। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त, है ना, कितने 20% सीटों पर, तो हमारी टोटल सीट कितनी है? 670। इसका एक अगर 20% आप निकालोगे तो लगभग 134 सीट, है ना, टोटल बता रहा हूँ मैं, लगभग 134 सीट क्या होती है? पेमेंट होती है ना। तो कुल इतने पर एडमिशन होता है, 670 फ्री और 134 पेमेंट सीट पर एडमिशन होता है। चलो
दिया जाएगा। इन सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को देखो 15%, 21% और 27% सीटें क्या होगी, आरक्षित होगी। मतलब पेमेंट सीटों पर भी आरक्षण लागू होगा, है ना। विभिन्न संकायों में पेमेंट सीटों पर प्रवेश पीएटी परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर ही मिलेगा। मतलब इसका भी कट ऑफ अलग से निकलेगा, ऐसा नहीं कि सर 12वीं के आधार पर आप पेमेंट है, क्या 12वीं में हमारे है ना 95% है और मैं ना मेरी 10 बच्चों की सरकारी स्कूल में प्रथम आया हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर बिना पीएटी के अंकों के आधार पर एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुम्हारे 100 में 100% क्या 101% हो तब भी यहाँ पर एडमिशन बिना एग्जाम में के नहीं मिलने वाला, पीएटी में अंक होना कंपलसरी है। समझ में आपने को? तो सूची उपलब्ध अभ्यर्थियों में दिया जाएगा, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखें, किसी भी ऐसी पेमेंट शीट जिसके लिए संबंधित आरक्षित वर्ग अपने काम का नहीं है, है ना। ये दो पॉइंट पे विशेष ध्यान दे दे। चलो ये हो गया अपना एग्जांपल, पेमेंट सीटों का वर्गीकरण दिया है ना, कि जे एन के वी में देखो 90 सीट है, काहे की देखो ये एग्रीकल्चर की है, बीएससी कृषि, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, नहीं दिखाई दे रहा हो तो कुछ नहीं कर सकता, सुनो केवल, बीएससी ऑनर्स ये कृषि, ये एग्रीकल्चर की 90 सीट है ना। उद्यानिकी की कितनी है, 24 है। और ये देखो फॉरेस्ट्री, मैंने फॉरेस्ट्री की वहाँ बताई नहीं थी, फॉरेस्ट्री की सीट भी होती बेटा, देखो जबलपुर में फॉरेस्ट्री भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेस्ट्री अपने को नहीं डालना है, डालना है मतलब सबसे आखिरी में डालना है सबसे, है ना। तो वानिकी की कितनी है, 5 सीट पेमेंट है। बीटेक कृषि अभियांत्रिकी मतलब कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कितनी सीट है, 14 सीट है। तो आपके काम की तो सबसे मेन बता रहा हूँ 90 सीट जे एन के वी में है, और इधर आरवीएस के वी की बात करें तो 44 सीट यहाँ पर है ना। तो 90 और 44 को जोड़ोगे तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया 134 सीट आपकी एग्रीकल्चर की पेमेंट सीट है, ठीक है। चलो तो ये, और 8 सीट इधर क्या है, हॉर्टिकल्चर की मंदसौर में, है ना। चलो बड़े आगे, तो ये कुछ था, आपको लगे आपका काम का है तो ठीक है। चलो अब बोले कि सर एडमिशन तो ले लेंगे, अब ये बता दो फीस कितनी लगेगी, क्या हम फ्री सीट पे जाएगा तो हमको एक पैसा नहीं देना? नहीं, ऐसा भी नहीं है, एक पैसा है कि आपको बहुत सारे पैसे देने हैं। बोले सर क्यों, हम तो फ्री सीट पे हैं। फीस की बात करते तो फीस की जब बात करते देखो यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षण शुल्क, है ना। अब देखो यहाँ पर सभी प्रकार के शिक्षण शुल्क, चिकित्सा शुल्क, खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि, ये बहुत प्रकार के शुल्क होते हैं, लेकिन सबसे खास चीज अपने ये ध्यान रखना है कि इन सभी शुल्कों को हम में योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, योग, कहाँ तक, ये 19 तक, ठीक है। और यहाँ पर एक आखिरी में एक लाइन लिखी हुई है, पेमेंट सीट हेतु शिक्षण शुल्क, मतलब जो फ्री सीट वालों के लिए शिक्षण शुल्क 8,650 है, वही पेमेंट वालों के लिए 32,450 रुपये होने वाला है। ये किसकी बात करें, शिक्षण शुल्क की। अब देखो ये क्या बोला है कि आरवीएस के वी मतलब कि एस के वी वी, और ये इधर है जे एन के वी वी, इधर तो बेटा बीटेक की बात चल रही है तो इसको हमें थोड़ा सा छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इधर जो फीस दी हुई है ये कृषि उद्यानिकी वालों के लिए, वानिकी की भी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो अगर इसे आप काउंट करते हो तो, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा प्रति सेमेस्टर, ये एक सेमेस्टर की फीस बताई हुई है, लेकिन मैं अगर तुम्हें ऑन एन एवरेज बताऊँ कि एक फ्री सीट वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति फ्री सीट पर एडमिशन लेता है तो उसे मैं बोलूंगा कि उसे 21,000 से लेकर 23,000 तक फीस भरनी पड़ सकती है, और ये मैं बता रहा हूं पर ईयर की, है ना। आप इसको काउंट करेंगे उसके बाद में और भी कुछ शुल्क जुड़ते हैं, और सिर्फ साल भर की मैं बता रहा हूँ कि एक फ्री सीट वाले को 21,000 से 23,000 तक की फीस भरनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम यही बात करें पेमेंट वालों के लिए, कि आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं तो यही फीस आपके लिए हो जाएगी लगभग 66,000 से लेकर 65,000 तक। कितनी हो जाती बेटा, 60,000 से 65,000 रुपए फीस लगेगी पेमेंट सीट वालों को, ठीक है। ये तो हो गई फ्री सीट, पेमेंट सीट की बात। दूसरी चीज अपने को यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो फ्री सीट वाले विद्यार्थी रहेंगे उन्हें जो, देखो अभी आप बोलेंगे सर
अभी आपने बोला था कि फ्री सीएम सीट पे कोई पेमेंट नहीं लगता, और अभी आप बता रहे हैं कि हमें 21 से 23 हज़ार रुपये देने हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है बेटा कि 21 हज़ार से 23 हज़ार रुपये जो आप भरेंगे यह आपको रिटर्न हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? रिटर्न। रिटर्न कैसे हो जाएंगे? स्कॉलरशिप के माध्यम से, कि जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है, पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसको, जैसे कि ST SC OBC वाले छात्रों को मिलती है, जनरल वालों छात्रों को तो नहीं मिलती। तो जनरल वालों को तो बेटा को ये फीस भरना ही है ना, और OBC ST SC वाले भी जो ये फीस भरेंगे उनको उनकी स्कॉलरशिप के साथ ये फीस जुड़कर वापस मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 21 हज़ार अगर आप वहाँ पर फीस भरते हैं तो 21 और 5 लिए मान के चलिए कि लगभग 26 हज़ार के समथिंग आपकी क्या आएगी? स्कॉलरशिप आएगी। और उसमें से 21 हज़ार रुपये तो किस चीज़ के रहेंगे? आपने जो फीस भरी है उसके, और 5 हज़ार रुपये एडिशनल मान लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और आती है हॉस्टल की। किस चीज़ की बात करें? हॉस्टल की। हॉस्टल की ये मान के चलो लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये, 5 से 7 हज़ार रुपये अलग से रहती है। यहाँ पर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ भी है कि इसमें हॉस्टल फीस कहीं से कहीं तक इंक्लूड नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसके लिए आपको 5 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। खास बात यह है कि जिन विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी उन्हें ये 5 से 7 हज़ार रुपये भी स्कॉलरशिप के साथ वापस हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब आपको शुरुआत में तो फीस भरना पड़ेगी, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप जब आएगी तो आपको ये फीस रिटर्न हो जाएगी। कुछ विद्यालय, कुछ महाविद्यालय मतलब कॉलेजेस में ये होता है कि वो आपको 0 फीस पर एडमिशन दे देते हैं। 0 फीस का मतलब ये है कि आप काम करिए कि आप ये फीस मत भरिए। ये दोनों सेमेस्टर की मैंने जोड़ के लिखी है, ये फीस आप मत भरिए, आप 0 पर एडमिशन करा लीजिए। जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी तब आप स्कॉलरशिप में से ये फीस भर देना। हॉस्टल फीस तो शुरुआत में ही भरवा लेंगे, हॉस्टल की फीस के साथ ऐसा नहीं होता। हॉस्टल फीस तो आपसे शुरुआत में ही पे करा लेंगे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। ये फीस का एडजस्टमेंट होता रहता, कुछ कॉलेज में एडजस्ट करते हैं, कुछ में नहीं करते, अपने अपने सबके नियम हैं। तो फीस का ये पूरी लिखी हुई है, ये मैं एक अनुमानित फीस बता रहा हूँ, अनुमानित जो जानकारी मुझे, ये जो मैंने फीस बताई है बेटा ये लास्ट ईयर के जो बच्चे गए थे उन्होंने ये फीस पे करी थी, ठीक है? तो उनके हिसाब से कि जो फ्री सीट वाला बच्चा था उसने लगभग 21 साढ़े 21 हज़ार रुपये फीस पे करी थी, जो कि स्कॉलरशिप के साथ उसको वापस मिल गई थी। पेमेंट सीट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलते, उसका कारण क्या है कि आपने अगर पेमेंट सीट ली इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पास तो बम पैसा है, अंधा पैसा है हमारे पास। तो वही है कि जो पेमेंट सीट वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जो मिलती है उसका नाम है मेधावी छात्रवृत्ति योजना। कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है? मेधावी। पेमेंट शीट वालों को ये मिल जाती है। बोले सर ये मेधावी क्या है? जिन बच्चों के जो 12th में परसेंटेज होते अच्छे होते हैं उनकी जो फीस है वो गवर्नमेंट पे करती है। मतलब आपने मान लीजिए पेमेंट शीट उठा ली और पेमेंट शीट पर आपको 60 हज़ार रुपये पे करना है, तो ये 60 हज़ार रुपये आप नहीं पे करेंगे, मतलब पे तो आपको ही करना है। जब आप पे करेंगे तो जो गवर्नमेंट है आपके अकाउंट में 1 साल बाद ये फीस वापस से आपको डाल देगी। जो फीस आप कॉलेज में पे करेंगे वही की वही फीस आपको वापस देखने को मिल जाएगी, है ना? मतलब आपको वापस हो जाएगी मेधावी छात्रवृत्ति योजना के आधार पर। तो ये बेटा देखो मेधावी क्या है कि ST SC OBC जनरल सभी छात्रों के लिए होती है। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक जैसा काम नहीं है कि जनरल वाले छात्रों को छोड़ दिया जाता, ये सभी छात्रों के लिए, जनरल वालों के लिए, ST SC OBC सभी छात्रों के लिए, ठीक है? इसकी कुछ शर्तें होती है। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए क्या चाहिए, ठीक है? तो ये है। इसके अलावा भी कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे हम बात करें संबल होती है और विक्रमादित्य होती है, और भी कई स्कॉलरशिप होती है जो आपके कॉलेज वाले अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है? तो ये फीस की एक मोटी मोटी जानकारी थी। जानकारी यही थी कि फ्री सीट पे आपको इतना पे करना है, पेमेंट सीट पर इतना पे करना है। फ्री सीट में जो आप पे कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस मिल जाएगी, पेमेंट सीट का पैसा वापस आने वाला नहीं है। हाँ, वापस किस कंडीशन में आएगा? जब आप मेधावी के लिए एलिजिबल हो गए, अगर आपको मेधावी मिलेगी तो वो आपकी फीस वापस कर देंगे, ठीक है? हॉस्टल की फीस आपको पे करना ही करना है, ठीक? अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो, हॉस्टल अगर रहते हैं तो हॉस्टल की फीस भी वापस आ जाती है, ठीक
क्या अपने को बात समझ में आई? तो ये फीस का पूरा पूरा मोटा मोटा आंकड़ा था, ये यहाँ पर जो बताया गया है वो प्रति सेमेस्टर है, ये जो मैंने बताया है वो आंकड़ा पर ईयर का है। ऑन एन एवरेज है कि 21 से 23 हज़ार फ्री सीट के लिए, 60 से 65 हज़ार रुपये पेमेंट सीट के लिए, और हॉस्टल के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 5 से 7 हज़ार रुपये। मेधावी का अपना अलग मामला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले भी कि और भी कई स्कॉलरशिप रहती है जिसके लिए पात्रता है अलग अलग रहती है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से रहता है ना। अगर पेमेंट सीट वाली देखें तो जैसे ST SC में ऐसा होता है कि कुछ स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, OBC वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। पेमेंट सीट पर अगर आप उठा रहे हैं और मेधावी नहीं ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी पोस्ट मैट्रिक मिलने वाली नहीं है, लेकिन जो ST SC वाले छात्र होते हैं उनमें कुछ छात्रवृत्ति वापस आ जाती है ना, मतलब कुछ फीस वापस आ जाती है। अब कितनी आती है आपको कॉलेज में जाके ही पता चलेगा, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक वही बात है कि सर हम कौन सा कॉलेज, हमें फ्री, हमें पेमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मेधावी पक्का मिलेगी ही मिलेगी? मेरा ये मानना है कि आप भले ही मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आते हैं, आपको प्री प्री सीट पहले डाल दो, है ना। मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजों की आपको फ्री सीट डाल देना चाहिए, जैसे कि आपने डाल दिया जबलपुर फ्री, इंदौर फ्री, उसके बाद में आपने डाल दिया खंडवा फ्री, फिर डाल दिया सीहोर फ्री, ग्वालियर फ्री, मतलब अच्छी अच्छी कॉलेजेस को आप क्या कर सकते हैं, फ्री डाल सकते हैं। अच्छी कॉलेज का मतलब क्या है सर? दूसरी कॉलेज में पढ़े अच्छी नहीं, नहीं बेटा, जगह का फर्क पड़ता है। सब कॉलेज समान है, सबकी वैल्यू एक जैसी है ना, क्योंकि वैल्यू कॉलेज की नहीं है, यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले फ्री फ्री सीट डाल दें, ताकि आपको मेधावी जैसी, क्यों मेधावी के जब स्कॉलरशिप फॉर्म आते हैं तो कभी भरा जाते हैं, कभी अच्छे से नहीं भर पाते, कभी साइड हैंग हो रही है, तो इसमें क्या है कि बड़ी समस्या रहती है। तो आप कोशिश ये करें, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो फ्री सीट पर ही जाए, थोड़ी सी जगह के चक्कर में। अरे 4 साल ही तो काटना है, घर से थोड़ा दूर काटेंगे तो कुछ चार चीज़ें नहीं सीखने को मिलेगी, है ना। तो ये अलग विषय है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सभी की काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल नंबर जारी कर दूँ, ताकि आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग लेनी है ना, तो हम जूम मीटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज किस व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति कॉल करके पूछ भी सकता है कि सर हम, मेरी ये स्थिति है, मेरे घर से ये स्थिति है, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुझे पहले कौन सी कॉलेज डालनी है, तो उसके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये अभी पक्का नहीं है, अगली वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो चॉइस फिलिंग की बात हम और बाद में कर लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। बढ़ते हम आगे। ये क्या रहे? हाँ चित्रकूट। आधे लोगों को लग रहा है सर सर हमारे तो 90 ही नंबर है और हमारे लायक तो आप बात ही नहीं कर रहे चित्रकूट। ये देखो आ गया, है ना। और खुशी की बात तो ये है कि चित्रकूट भी जो है वो लास्ट ईयर से ही ICR से अफिलिएटेड हो चुका है, मतलब ICR से इसको एक्रीडिटेशन मिल चुका है, तो इसमें भी आप निसंकोच होके जा सकते, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात यही है, यह फ्री सीट वाले और पेमेंट सीट दोनों को पैसा लगता है ना। फ्री सीट को पैसा लगेगा 28,150 रुपये तथा पेमेंट वाले को 62,650 रुपये। फिर बोल रहा हूँ, प्राथमिकता अपने को JNKVV और RVSKVV को देना है। समझ में आया अपने को ये बात? ये किसी कारण से बोल रहा हूँ और ये कारण आपको बाद में जाके समझ में आएगा जब आप MSc एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, है ना। तो JNKVV और RVSKVV को आपको प्राथमिकता देना है, उसके बाद में ही चित्रकूट। हालांकि देखो जब चॉइस फिलिंग होगी चित्रकूट का नाम भी नहीं आएगा, मतलब चित्रकूट अगर आप को मिल सकता है तो इधर भी मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो तो चित्रकूट की क्या स्थिति है वो समझ लेते हैं। तो ये कौन से भैया? फ्री सीट कितनी सीट है? 80 सीट है। पेमेंट कितनी सीट है? 40 सीट है। तो 8 4 12 टोटल 120 सीटें रखती है, जिसमें 80 फ्री है, 40 पेमेंट है। पेमेंट वाले को 62,650, फ्री वाले को 28,150 रुपये पे करना पड़ेंगे। ये उसका पूरा मामला है, आप अपने स्तर से समझ लें। इसकी काउंसलिंग की डेट अलग आती है, ठीक है। चलो हाँ, और इसका कटअप बाकी कॉलेजों से थोड़ा सा कम रहता है।
हाँ भैया, प्रोसेस क्या रहने वाली है, जिसे हम बोलते हैं प्रक्रिया। बोले परीक्षा तो हो गई सर, और देखो ये 200 2023 का लगाए हैं, अभी नहीं आने। बोले सर कहाँ गई ये 2023 का है ना। मैं केवल एक प्रक्रिया को समझाना चाह रहा था कि आगे क्या क्या होगा, है ना। तो जैसे कि आपकी एग्जाम हो चुकी है, अब सबसे पहले आएगा रिजल्ट, है ना। क्या आएगा बच्चों आपका रिजल्ट? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए कहा जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए लगभग लगभग सभी लोग जो है वो इलिजिबल रहेंगे, मतलब पात्र रहेंगे, है ना। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों में प्राथमिकता का क्रम, ऑनलाइन चयन, शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। सबसे पहले तो वही बात है कि चॉइस फिलिंग आपसे कराई जाएगी। उसके बाद में निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन, मतलब इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। आपसे पहले चॉइस फिलिंग कराई जाएगी कि भैया आप बता दो कि आपको पहले पे कौन सा कॉलेज चाहिए, दूसरे पे। बोले सर दो दो कॉलेज एक साथ मिल सकते हैं कि 6 महीने में पहले कॉलेज में रहो? अरे ऐसा नहीं बेटा, कॉलेज मतलब कि भाई हम ये लेना चाहते हैं। हम चाहते तो इंदौर है, लेकिन हमारे नंबरों की औकात इतनी नहीं कि इंदौर हमें मिल पाए। तो क्या है कि इंदौर का कट ऑफ गया मान लो 120 नंबर, हमारे 90 नंबर है, लेकिन क्या है कि दिल है कि मानता नहीं, वो तो इंदौर ही चाहता है। तो भले ही आप डाल दो बेटा इंदौर की पहले का, अगर इंदौर आपको मर्जी हो तो दे दो, दूसरे पे आपको लगे तो सीहोर दे दो, तीसरे पे आपको लगे तो ग्वालियर दे दो, जबलपुर दे दो, और आखिरी में लगे तो कोई सा कॉलेज दे दो। समझ में आ रहा? तो पूरा, तो आपके नंबरों के हिसाब से आप जहां फिट बैठते हो वहां पर आपको कॉलेज मिल जाए। हो सकता है आपके नंबर कम हो तो 8वें और 9वें नंबर का कॉलेज आपको मिल जाए। बोले सर सर हमने ना क्या किया कि पहले पे ही रेहली डाल दिया, रेहली, और हमको क्या हुआ बताओ, तो पहले ही वाला कॉलेज मिल गया, वो भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके नंबर भले ही कम हो, आपको कॉलेज डालने का जो वरीयता क्रम है, जो क्रम है, पहले पर कौन सा दूसरा, वो बहुत ही सावधानी के साथ डालना है। अगर अपनी बुद्धि नहीं काम करे तो फर्स्ट क्लास संस्था में फोन लगाकर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन नंबर पे नहीं, मेन नंबर दूसरा दूंगा उस नंबर पर, ठीक है। चलो तो वही बात है, सबसे पहले तो आपको चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद में क्या, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ सही लगा उन्हें, तो वो आपको कॉलेज देंगे। कॉलेज देंगे मतलब पर्चा निकलेगा ऑनलाइन, वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कॉलेज में फ्री सीट मिली है या पेमेंट सीट मिली है। ये सारी जानकारी आपको आवंटन पत्र के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद में अगर आपको जो कॉलेज मिली है, मान लो कोई एक व्यक्ति है एक्स, सर एक्स का नाम मत लो, बहुत दिल दुखाया एक्स ने, ठीक है एक्स का नाम नहीं ले रहे। मान लो कोई वाई है ना, एक्स का नाम नहीं लेते, लोगों को बुरा लगता है। मान लो कोई वाई नाम का एक स्टूडेंट है, उसको सीहोर कॉलेज मिला है ना। कौन सा कॉलेज मिला है? सीहोर कॉलेज मिला है, और सीहोर के ऊपर उसने डाल रखा था इंदौर। अब चूंकि उसके इतने नंबर नहीं थे तो इंदौर नहीं मिला, तो सीहोर कॉलेज मिला है, और वो चाहता है सीहोर में मैं एडमिशन ले लूं या मैं अपग्रेड कराऊं। अब अपग्रेड क्या बोला है? अपग्रेड का मतलब है कि कुछ बच्चों क्या है कि उनकी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती तो वो कॉलेज छोड़ देते हैं या कारणों से एडमिशन नहीं लेते, तो उनकी सीट खाली हो जाती है, और उस खाली सीट पे फिर बच्चे को, जो नीचे वाले बच्चे थे उनको खसकाया जाता है। अरे इसको कुछ इस तरीके समझ समझा लो, ये कुछ सीट है ना, ये सीट है भैया। अब कोई मान लो ये कोई एक छात्र है, इसकी मर्जी है मैं तो इस नंबर की सीट पे बैठूं, मतलब ये एक नंबर की सीट है, ये 2 3 4 5 6, वो चाहता था 2 नंबर की सीट पर मैं बैठना चाहता हूँ या एक नंबर पे बैठना चाहता हूँ, लेकिन उसको मिली कौन सी? 3 पे। तो ये तो ये क्या कर सकता है, या तो 3 को ले सकता है, या तो उसको छोड़ सकता है, या अपग्रेड करा सकता है। लेकिन इसको मन था नहीं यार, मैंने तो ऐसी काउंसलिंग करा ली थी, तो मेरा एग्रीकल्चर में जाने कुछ ऐसा मूड नहीं है, मैंने ऐसा ही करा लिया था। तो वो सीट क्या होगी फिर? वो 3 नंबर की सीट खाली होगी, और फिर चौथा वाला बच्चा अपग्रेड में होकर तीसरे पे जाएगा, पांचवा वाला चौथे पे जाएगा, छठा वाला 5वें पे जाएगा, मतलब ऐसे आगे खसकते हुए जाते हैं। क्या आपने समझ में आ रही बात? तो अपग्रेड का सिस्टम क्या है?
कि अपग्रेड तभी होगा जब आप 5,000 का शुल्क जमा करोगे। देखो क्या बोला है कि काउंसलिंग शुल्क का भुगतान, मतलब आपको जो कॉलेज मिला है, आप अगर वो कॉलेज लेना चाहते हैं या तो अपग्रेड कराना चाहते हैं, इस स्थिति में आपको आंशिक शुल्क, और ये आंशिक शुल्क होगा लगभग 5,000 रुपये, ये आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे, तब आपकी सीट लॉक हो जाएगी। मतलब कि हाँ भैया ये सीट हमारी है, अगर अपग्रेड होके ऊपर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरे नंबर की सीट तो मेरी ही है। क्या अपने को बात समझ में आई? तो अपग्रेड कराने की स्थिति हो या वही कॉलेज में एडमिशन लेने की स्थिति हो, आपको 5,000 रुपये का आंशिक शुल्क भुगतान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हो गया, फिर जो आपको महाविद्यालय मिला है वहाँ पर जाइए और पूरी फीस जमा करिए और एडमिशन आपका फाइनल करिए। ये 5,000 भरना सबको अनिवार्य है। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, अपग्रेड कराना चाहता है, ठीक है, उसको 5,000 का शुल्क देना अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, सर हमको तो मालूम ही नहीं 5,000 रुपये देना रहता है। भैया आपकी सीट है ना खाली हो जाएगी और अपग्रेड होकर वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी। समझ में आया? और सभी बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग करना है। बोलिए सर राउंड कौन सी वाला है? और भैया बार बार काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे क्या होते, कॉलेज छोड़, मतलब सीट छोड़ देते, फिर अगले राउंड की काउंसलिंग, फिर और कम बच्चे और अगले राउंड, ऐसे 2 से 3 राउंड की काउंसलिंग होती है ना? तो तीनों राउंड तक अपने को वेट करना है। और ये सब पूरी की पूरी डेट अभी नहीं आई है बेटा, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पुरानी डेट है, नहीं तो कहीं का बोल पहुंच जाएगा, है ना? ये अभी नहीं है, मैं केवल प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस बीच ये आएगा, तब तक हमें क्या काम करना है? तब तक हमें करना है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर ले। कौन से डॉक्यूमेंट? ये सत्यापन के लिए। बोले सर हम एडमिशन लेंगे तब डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके पहले लगेंगे? भैया सत्यापन में काउंसलिंग में भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसे हम बोलते दस्तावेज सत्यापन। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो रही इसकी लिस्ट। कम से कम ये डॉक्यूमेंट तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिसको नंबर 50 हो वो भी, और जिसके 150 हो वो भी। फिर 150 इस बार आना पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कौन कौन से? अर्हकारी परीक्षा पीएटी की अंक सूची। बोले सर ये तो है ही नहीं मेरे पास। बोले ये तो मेरे पास, अरे चल जा यार भाई यार। हाँ अरे ये तो अभी आएगा ना, रिजल्ट आएगा ना, ये बोल रहा है रिजल्ट है ना, पीएटी का रिजल्ट, तो जब आएगा तो मिल जाएगा। अपने पास 10वीं की अंक सूची होनी चाहिए, 12वीं की अंक सूची होनी चाहिए। सर फोटो कॉपी चलेगी? नहीं चलेगी। सर हमारे पास मोबाइल में डिजी लॉकर में पड़ी है, डिजी लॉकर, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ST SC OBC वालों को ये जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र कैसा लगेगा? सर पंचायत से लिखवा ले, सरपंच सचिव लिख देंगे। अरे नहीं भैया ऐसा डिजिटल लगेगा, ये दिख रहा है, ये डिजिटल प्रमाण पत्र लगेगा इस प्रकार का, आपने देखा है ना? तो ये जाति प्रमाण पत्र सबके पास होना आवश्यक है, ठीक है? आय का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट है ना, ये दोनों के दोनों जो किसके लिए होते बेटा? ये जनरल वालों के पास नहीं होते, जाति का जनरल वालों को नहीं लगता और इनकम का भी जनरल वालों को नहीं लगता, पर बनवाया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि जाति का तो बनेगा, इनकम और बन सकता है। तो देखो लिखा ना यदि लागू हो, यदि लागू हो का मतलब क्या है कि अगर आप ओबीसी ST SC में आते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना है, जनरल वालों को नहीं, है ना? तो ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट। एक है मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल है ना, कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, उसका निवासी का प्रमाण पत्र। कार्यरत कृषक का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, कृषक का प्रमाण पत्र। बोले ये क्या है भाई? देखो कृषक के लिए अलग से सीट रिजर्व होती है के नाम से, है ना? तो अगर आपने फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा गया होगा कि आप कृषक है, कृषक का मतलब ये नहीं कि आपके पिताजी खेती करते हैं, मतलब कृषक का प्रमाण पत्र बनता है, उसके लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आपकी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से 2 कक्षाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से होना जरूरी है, आपके पास इतनी जमीन होना चाहिए, है ना? तो आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। और ये कौन बना के देता है? ये तहसीलदार बना के देता है, उसकी बात भी मैं करूंगा।
तो अगर कृषक प्रमाण पत्र अगर है तो उसके लिए अलग से सीट रिजर्व होती है, तो वो अपने को बना के पहले से ही रख लेना, अगर फॉर्म डालते वक्त उस पर हाँ किया है। काउंसलिंग में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कृषक के लिए एलिजिबल है, हाँ करोगे तो प्रमाण पत्र लगेगा, और प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो फिर आपको चॉइस फिलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। एक है गैप प्रमाण पत्र। अब ये गैप प्रमाण पत्र क्या है? गैप प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों को लगता है जिनका ड्रॉप होता है। ड्रॉप मतलब कि 12th हो गया लेकिन 12th के बाद में उन्होंने क्या किया, 1 साल तैयारी करी है और फिर उन्होंने एडमिशन लेंगे, तो उनका बीच में 1 साल क्या गया, खाली गया ना, मतलब गैप हो गया, तो गैप प्रमाण पत्र बनता है। ये कहीं नहीं, जो कोर्ट होती है ना, ये जो जिला कोर्ट होती है, जो हाई कोर्ट होती है, उनके बाहर तुमने टाइपिस्ट देखेंगे ऐसे ऐसे, है ना, जो वकील लोग रहते हैं उनके पास ये बन जाता है, आसानी से बन जाता है। 50-100 रुपये का स्टाम्प लेते हैं, उनको बोलोगे गैप प्रमाण पत्र, तो वो स्टाम्प के ऊपर आपको गैप प्रमाण पत्र बना के दे देंगे कि भैया ये जो हमारा वहाँ स्टूडेंट था वो एक्स की वजह से क्या है कि पढ़ाई नहीं कर पाया, तो उसका क्या है कि 2022 में क्या हो गया था, 12वीं हो गया था, लेकिन उसने 2023 में क्या करी है, बैठ के तैयारी करी 23-24 तक, तो उसका 1 साल या 2 साल क्या हो गया, गैप हो गया। इस बीच इसने कहीं और एडमिशन नहीं लिया है, या तो लिया है तो खारिज करा दिया, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है, तो एक प्रमाण पत्र बनता है जो कि आसानी से बन जाता, कोई समस्या नहीं जाती, है ना। तो अगर गैप है तो ही लगेगा, नहीं तो जो अभी जिनका रिसेंट में 12वीं हुआ है और 12वीं के साथ ही अगर PAT निकल गई है, तो उन छात्रों को ये प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। एक है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट, शुल्क भुगतान की पावती। ये क्या है कि भैया देखो, आवंटन पत्र आया, आपको बताया गया कि आपको सीहोर कॉलेज मिला है और आपने ले भी लिया, ठीक है, और आपने क्या जमा किए, 5,000 रुपये जमा कर दिए, तो ये 5,000 रुपये का प्रिंट, वो प्रिंट निकलेगा ना जब आप फीस जमा करोगे 5,000 रुपये, तो उसकी पावती बोलते हैं उसको, है ना। तो ये कुछ प्रमाण पत्र है जो आपको अभी से निकाल के रख लेने हैं। देखो अब ये तो जब रिजल्ट आएगा तब की बात है ना, ये रिजल्ट आएगा तब की बात है। आपको 10वीं 12वीं आय जाति निवासी, और अगर कृषक है तो कृषक और गैप है तो गैप, ये सारे सर्टिफिकेट बना के रख लेने हैं। अभी से रिजल्ट आने का इंतजार अपने को नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये काउंसलिंग में ही लगेंगे, एडमिशन में नहीं, काउंसलिंग के वक्त ही लगेंगे। एडमिशन तो बहुत बात की बात है, एडमिशन के वक्त तो और डॉक्यूमेंट बढ़ जाएंगे, और ये रहे वो डॉक्यूमेंट, ये रहे प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको एडमिशन तक लगने वाले हैं। कौन कौन से जरा एक बार समझो, यह 10वीं की मार्कशीट, यह है 12वीं की मार्कशीट, अंक सूची, यह है कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र, है ना, ये इनकम मतलब आय प्रमाण पत्र, डोमेसाइल मतलब निवासी प्रमाण पत्र, है ना, आधार कार्ड, उसके बाद समग्र आईडी, हिंदी मीडियम वालों तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, समग्र आईडी क्या होती है, अरे भैया पंचायत में जाना, पंचायत वाले को, वो जो सचिव जी बैठते हैं उनको जाके बोलना कि समग्र आईडी दे दो, तो वो दे देंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी आसानी से समग्र पोर्टल पे जाओगे तो परिवार के नाम से या सदस्य के नाम से भी सर्च हो जाता है, आसानी से निकल जाते, समस्या जाए अगर समग्र आईडी में फोन लगा के पूछ लेना। कृषक सर्टिफिकेट अगर आपको लागू हो, अगर आपने दिया हो तो कृषक प्रमाण पत्र, है ना। गैप सर्टिफिकेट अभी जो बताया वो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको तुम्हारे गांव तरफ TC बोलते हैं, दाखिला, दाखिला है ना, जो दाखिला है या जो TC है वो अपने को लगेगा। एक होता है माइक, देखो TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों के तीनों एक साथ दिए जाएंगे। कहाँ से दिए जाएंगे, आपकी जो पुरानी स्कूल है, सर पुराने स्कूल जहाँ से हमने 5वीं पास करी, नहीं रे 12वीं, जहाँ से आपने 12वीं पास करी है वहाँ आप जाओगे, तो तीनों चीज़ें आपको एक साथ दी जाएगी, क्या, एक तो TC, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर। बोले सर हमारा कैरेक्टर तो बहुत ढीला रहा है, ढीला रहा, टाइट रहा, वो बात की बात है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको जरूर लगेगा, है ना। तो TC, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये तीनों, हालांकि माइग्रेशन तो आपको 12वीं की अंक सूची के साथ मिल जाता है, जब आपने 12वीं की अंक सूची लेने गए होंगे या लेने जाओगे तो एक हरे कलर का छोटा सा एक ऐसा कट्टा मिलेगा आपको, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रवर्जन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। आपकी मार्कशीट इतनी बड़ी होती है, उसके पीछे एक छोटा सा स्टेपल किया हुआ ये वाला प्रमाण पत्र भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते, और ये लगेगा, इसको खोना मत, डबल बनता भी नहीं है।
बनता है, लेकिन परेशानी ज़्यादा आती है ना। एक आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। सर हमारे घर तो मेडिकल है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट? अरे मेडिकल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट MBBS डॉक्टर पास जाना है या गवर्नमेंट डॉक्टर पास जाना है, आप फिजिकली फिट हो, मतलब आपका पैर टूटा नहीं, आपका दिमाग बुद्धि काम नहीं करती, मतलब बुद्धि ठीक है आपकी, बढ़िया प्रॉपर है, BP शुगर ये वो सब नहीं है, ये सब वो लिख के देता है कि भैया ये जो सामने व्यक्ति जो एडमिशन लेने जा रहा है कॉलेज में, ये फिजिकली फिट है या मेडिकली फिट है, ये हेल्दी है, इसे आप प्रॉपर एडमिशन दे सकते हो। इसके एडमिशन देने से बाकी दूसरों बच्चों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हेलो, परेशान हो ही नहीं सकता कि आपको एडमिशन दे दो, दूसरे बच्चे पर फर्क नहीं पड़े, आप दूसरे बच्चों को खा जाओ, है ना। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आसानी से बन जाता है, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर पास जाना, उन्हें बोल देना कि भैया हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो। वो कुछ बेसिक सी जांचें होती है, BP चेक करेगा आपका, हो सकता है ब्लड और यूरिन टेस्ट कराए, कुछ एक जांचें होती है, और वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आसानी से बना के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा। एक दिन का काम है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। कहाँ से बने? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता है, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं जिनके मेडिक मतलब वो क्या होते हैं, क्लिनिक होते हैं, वो क्लिनिक पे बना के दे देते हैं, कोई समस्या नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो अगर हो तो ठीक है, नहीं खिंचा लेना। बैंक का पासबुक, बैंक का पासबुक इतना ज़रूरी नहीं है, हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है कि वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे वो एक सेपरेट बैंक का अकाउंट में आपका खाता खुलवाएंगे ही खुलवाएंगे, है ना। ओदर्स, ओदर में जैसे कि आपने सैनिक वर्ग से आते हैं, सैनिक कोटा, अगर आपको सैनिक कोटे की सीट चाहिए, सैनिक कोटा ये मतलब होता है कि जैसे कि भैया आपके पिताजी या तो सैनिक हो, या आपके दादाजी जो है वो फ्रीडम फाइटर रहे हो, जब आज़ादी का वक्त था वो शहीद हुए हो, तो उनके लिए अलग से कोटा होता है जिसे हम सैनिक कोटा बोलते हैं। आप PH, PH मतलब फिजिकल हैंडीकेप, अगर आप दिव्यांग है तो उसके लिए अलग से सीटें रिजर्व होती है, तो उसका प्रमाण पत्र है। NRI कोटे से आते हैं, मतलब आप विदेश से आते हैं, तो ये कुछ प्रमाण पत्र भी आपको लग सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, ये सारे प्रमाण पत्र मैंने लिख दिए हैं, मेरे स्तर से इसमें कोई प्रमाण पत्र छूटा नहीं है, लेकिन छूटा भी हो तो फिर गारंटी नहीं लूंगा मैं, है ना, पर नहीं छूटा है, इतने प्रमाण पत्र आपके हैं। तो आपका आसानी से, कितना टाइम हो गया रे, 51 मिनट का वीडियो हो गया, हाँ, आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलो समझ में आया अपने को? तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, इकट्ठा कर लेना बेटा, जिसमें से ये तो सबको लगेंगे, जिनको कॉलेज मिले नहीं मिले वो बात की बात है ना, ये सबको लगेंगे, ये मतलब ये पूरे, है ना। चलो ये वो, हाँ, कट ऑफ, कुछ लोगों लगता है नहीं नहीं सर बताओ कट ऑफ क्या रहेगा, ये देखो ये 2023 का कट ऑफ है, इससे 4 से 5 नंबर कट ऑफ कम ही जाएगा, 5 नंबर कम मान लो, जैसे कि ये जनरल 94 गया था, 94.5, तो आप मान लो 90 90 के आसपास जाएगा, तो ये लास्ट टाइम का है, 5 नंबर घटा लेना 3, ठीक है, तो कट ऑफ कम ही जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना ये जो डॉक्यूमेंट है इनको तैयार रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कट ऑफ के पीछे परेशान नहीं होना। अगर आपको लगता है नंबर कम है, हमारा तो नहीं होना, तो बेटा फर्स्ट क्लास कोचिंग में आओ, एडमिशन लो और तैयारी शुरू करो, ठीक है। इस बीच अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जैसा कि सर ने पहले बता चुके हैं कि आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, कोई फीस नहीं कटेगी महीने के हिसाब से, है ना, पूरी आपने जितनी फीस जमा करी है उतनी आपको रिटर्न हो जाएगी, कोई समस्या ही नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए। हाँ भैया, तो ये हमारी जो नई कक्षाएं है वो 15 जून से चालू हो चुकी है ना, और शानदार पढ़ाते, हम बेहतरीन पढ़ाते हैं, इसका आप मार्केट में किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, शानदार झकास पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पुराने जो 35 बार बता चुका हूँ, 36वीं बार और बता रहे हैं, ये हमारे लास्ट टाइम के टॉपर हैं, आप भी सुन सुन के बोर हो गए, हम भी बता बता के बोर हो गए, क्या करें, चलो, लेकिन क्या है, मार्केट का ट्रेंड है, टॉपर बताते रहो, है ना। लेकिन बात है बेटा, देखो सिलेक्शन आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बच्चा अच्छे तैयारी करता है तो टॉप आ जाता है, ठीक है, तो सिलेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब रंगमंच है, और रंगमंच पे बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, तो उसी का पार्ट एक टॉपर भी होता है। 15 जून से नई बैचेस चालू हो रही है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं होती है,
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करें। क्लास में बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में भी बड़ा आनंद आएगा, आप आए क्लास में बैठे, हमको भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमें भी आनंद कम आएगा, आपको भी आनंद कम आएगा, लेकिन आनंद हर स्थिति में आएगा। ठीक है, चलो। तो ये कुछ पीएटी बेटा, सीयूटी की भी चालू हो रहा है ना, सीयूटी वाले बच्चे बुरा ना माने, है ना, सीयूईटी की कक्षाएं भी 15 तारीख से ही चालू हो रही है ना। और जैसा कि आपको पता है कि डेमो कक्षाएं चल रही है, फ्री डेमो कक्षाएं, फ्री तो फोकट में लिख दिया, 10 रुपये ले रहा हूँ भैया मैं, है ना। अरे 10 रुपये मतलब फ्री तो होता है ना, वो फ्री नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है क्या कि जो एप्लीकेशन है अपन ने किसी को ठेके पे देके बनवाई है ना, तो वो मिनिमम 10 रुपये आपको रखना ही पड़ता है। तो 10 रुपये डेमो क्लासेस फॉर पीएटी एंड सीयूईटी स्टूडेंट 15 जून से चालू हो चुकी है, स्वराज की एप्लीकेशन पर चल रही है, बढ़िया क्लासेस चल रही है, आपको लाइव कक्षाएं देखने के लिए मिल रही है, पीडीएफ देखने को मिल रहे हैं, और ऑनलाइन टेस्ट भी देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे कि बताया, धुआंधार पढ़ाते, मज़ेदार पढ़ाते, बिल्कुल बोरियत फील नहीं होने देंगे आपको, बस और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आप और जो हम हैं वो इंटरेक्ट होते जाएंगे और आपको मज़ा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। और एप्लीकेशन जैसा कि डाउनलोड कैसे करना है आप सभी लोग जानते हैं, आप ऐसी ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर चुके कि एप्लीकेशन क्या चीज़ है ना, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होने लगी रहती है आप वहाँ से भी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं और ग्रुप में शेयर करिए तो फिर भी एप्लीकेशन है। तो लेकिन यहाँ पर समस्या है कि जैसे ही आप स्वराज कोचिंग डालेंगे आपके सामने एक जैसी दो एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, एक स्वराज और एक स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट, दोनों ही हमारी है ना, पर दोनों इसलिए है गलती से एक कभी बंद हो जाए तो दूसरे पे काम चलते रहना चाहिए। तो ये स्वराज वाली को आपको डाउनलोड करना है फिलहाल के कंडीशन, जिस पर सिर्फ स्वराज लिखा है ना, इसको आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको ये कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, क्या सीयूईटी पीईटी डेमो कोर्स, 10 रुपये का, मात्र 10 रुपये, चिप्स के बराबर का प्राइस है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा बड़ा ही अमूल्य है, लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तब आपसे हम मूल्य वसूल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आखिरी में ये हमने लिखा है थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्या है कि लगभग 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहे, लेकिन बात वही है कि आपके काम की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। कॉलेज बेटा सब अच्छे होते हैं, कोई कॉलेज बुरा नहीं होता, बस वहाँ पर जो पुराने छात्र पढ़ रहे हैं उनसे फ़ोन लगाकर एक बार अगर आप पूछ ले कि कहाँ की क्या खासियत होती, कहाँ पर भाई, कहीं पर ऐसा है कि भाई एग्रीकल्चर लाइन की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, मगर आपको अगर आपको पीएचडी करना है, एमएससी करना है, तो कोई कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ रुझान ज़्यादा होता है ना, तो सब अपना अपना है बेटा, है ना। तो ये सारी जानकारी मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। रही बात नंबर की, तो हाँ इसकी पीडीएफ मैं दे दूँगा, है ना, पीडीएफ इसको इसकी आपको मिल जाएगी, कहाँ पर, नीचे नीचे मतलब, अरे कमेंट बॉक्स रहता है ना, वहाँ पर क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कृषक प्रमाण पत्र वाले, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कृषक प्रमाण पत्र, अच्छा याद आ गया, देखो बेटा इसकी पीडीएफ में मैं लगा दूंगा, अगर कृषक प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है लेकिन बन सकता है तो फर्स्ट क्लास कौन बना के देगा। देखो यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, नहीं दिख रहा, ये देखो लिखा है तहसीलदार, तहसीलदार की साइन लगती है और इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, देखो कि भैया शालाओं में अध्ययन दो परीक्षाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, 5वीं 8वीं, तो वो सब कुछ लिख के दे देता है। ये एक छोटा सा प्रमाण पत्र है, अगर तहसीलदार आपको बनाकर दे देता है, हालांकि आप उसके पास जाओगे कि तहसीलदार साहब हमको ये प्रमाण, उसको पता ही नहीं ये क्या होता है, तो पहले उसको समझाना कि ये क्या होता है, फिर अगर वो समझ जाए तो आप बना के दे देगा आपको और आप इसका यूज कर सकते हैं, बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये सामान्य से इसकी भी जानकारी, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉलेज की भी डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग के लिए ऊपर से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें ऐसे ही डिटेल जानकारी, वीडियो थोड़े बड़े होते हैं लेकिन बेटा प्रॉपर जानकारी रहेगी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ देख लिया करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मंडल आपका आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, और कहीं रह गया देश का कल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।